दोस्तों, यह है जिया रिवर का वाटर एनर्जी पार्क। हाय, ये रहा एनर्जी पार्क का एंट्रेंस गेट। यहीं से अंदर जाना होता है और वो रहा मेरा गैंग। और उस रास्ते से भी आ जा सकता है और इस वाले रास्ते से भी आ जा सकता है। यहीं से हम आए थे। इस तरफ है काउंटर। अंदर जाने के लिए यहीं से आपको टिकट या पास लेना पड़ता है और पर हेड ये 30 रुपीज़ चार्ज करता है। और स्विमिंग पूल में जाने के लिए भी 100 रुपीज़ है पर हेड का। और इस तरफ देखिए, 3-3 फाउंडेशन स्टोन बिठाया हुआ है। यहाँ पे आपको इस एनर्जी पार्क का सारा इन्फो डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। हाय, इधर गोलू का कांकेन को लाल डर ये लड़का हमारा ही रिश्तेदार है और यही काम करता है। ये रहा अंडरग्राउंड नेचुरल स्प्रिंग वाटर। ये जो अपने आप अंडरग्राउंड से पानी जो निकलता है, बहुत सारा पॉइंट है इसका निकलने का, वो मैं आपको आगे दिखाने के लिए कोशिश करेगा। कायगोनी तबल तोपला पर। और ये पानी जो बह के बहुत सारा अरुणाचल का गांव से होते, हमारा गांव से होते हुए वो आसाम में पहुंच जाता है। आसाम का बड़ा वाला ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पे ये पानी जो जाके मिल जाता है। देखिए, बहुत सुंदर सीनेरियो है। वहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ 2 बार। मेरा एक्चुअली ये जो PhD डिपार्टमेंट ने बनाया है, तो मेरा एक दोस्त है वो PhD डिपार्टमेंट में जॉब करता है, मैं उनके साथ यहाँ आई थी। उस टाइम पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन में था। हाय, देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है। कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पानी है। देखिए, पता नहीं चल रहा है कि ये मिरर है कि पानी का सरफेस है। पूरा पेड़ पौधा का मिरर इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और अंडरग्राउंड का जो सरफेस है, अंदर वाटर का सरफेस है, वो भी देखिए कितना क्लियर से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लेकिन इसका जो पानी निकलने का पॉइंट है जो आपको मैंने बताया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा में दिखाई नहीं देगा, आप पर्सनली आके जब देखेगा तभी आपको दिखाई देगा ये। कोचे जांगो, देखिए ये है जिया विलेज का एनर्जी पार्क। आज हम लोग सब मम्मी का वहाँ पे गैदरिंग हुआ है, तो हमने यहाँ पे घूमने का आने का फैसला किया। सो हम घूम रहे हैं, सांस फूल गया है। एक्चुअली दोस्तों, हमारा पापा का तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक हो गया है। तो उसी को हम सभी देखने के लिए गए थे, तो हमको ये मौका मिल गया फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए हम यहाँ आ गए। और यहाँ देखिए, ये है PhD डिपार्टमेंट का वाटर प्लांट। मेरा दोस्त ने बताया ये वाटर प्लांट जो आसपास का जितना भी गाँव है उसको पानी सप्लाई करने के लिए, पीने का पानी सप्लाई करने के लिए ये प्लांट बिठाया हुआ है। और साथ में ये रिक्रिएशनल पार्क भी बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही सुंदर जगह बना हुआ है। Behind the camera, I'm Dr. Mayrangota. Family photo session.
और यहाँ से नीचे जाके डाउन साइड में एक स्विमिंग पूल भी है, वहाँ चल के देखते हैं। वो रहा स्विमिंग पूल, बहुत सारा बच्चा भी आया हुआ है पेरेंट्स के साथ में। और यहाँ पे आराम करने के लिए चेयर भी रखा हुआ है, यहाँ पे आराम से आप बैठ के नदी का व्यूज को और स्विमिंग पूल का व्यूज को देख सकते हैं। और यहाँ एक्वेरियम भी है लेकिन उसमें मछली नहीं है, लेकिन इस वाले में है देखिए थोड़ा सा मछली। ये थर्ड वाला पे देखते हैं, इसमें भी है थोड़ा बहुत, दो तीन मछली है। और बैठने के लिए आराम करने के लिए इस साइड भी है, यहाँ से आराम से बैठ के आप एंजॉय कर सकता है। ये रहा स्विमिंग पूल, दो पूल बना हुआ है, एक उस तरफ है एक इस तरफ। और दोस्तों ये पानी जो ठंडा का मौसम में गर्म होता है और गर्म का मौसम में ठंडा होता है, ये हमारा गांव तक बह के आता है। और यहाँ बाथरूम, चेंजिंग रूम, लेडीज़ जेंट्स का अलग अलग। हेलो, वो मेरा छोटा वाला भाई है और दीदी का लड़का, बहन का लड़का, वो लोग अभी यहाँ पे नहाएगा। पानी तो गर्म है वैसे, लेकिन नहा के बाहर जब निकलता है तो ठंड ठंड फील होता है। ना इधर से आओ। हाय तार्जन। कहाँ? मैंने दिए मिलते बंद
और यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं, वो रहा डाउन में, स्विमिंग पूल रह गया नीचे। इस नदी का चारों ओर पैदल चलने के लिए ये फुटपाथ बना के रखा हुआ है। ये रहा ऊपर साइड से नदी का व्यू, बहुत सुंदर है। और दोस्तों ये नदी जो हमारा गांव से बहते हुए आसाम तरफ चला जाता है, तो हम लोग क्या करता था, 31 दिसंबर का रात को वेटिंग नाइट मनाता था दोस्तों के साथ में, तो रात 12 बजे को हम लोग यहाँ पे आके नहाता था। क्योंकि बड़ा लोग ऐसा बोलता था कि जाने अनजाने में अगर आप इस साल पाप काम किया है तो 12 बजे रात को यहाँ पे आके आप नहाएगा तो आपका सारा पाप धुल जाएगा, ऐसा बोलता था। तो हम लोग हर साल यहाँ पे रात 12 बजे को नहाता था, तो पानी बहुत गर्म होता था। जब आप पानी के अंदर डुबकी लगाता है तो ये पानी बहुत गर्म होता है, लेकिन जब आप पानी से बाहर आ जाता है तो फिर से ठंड का एहसास होने लगता है। इस तरह से हम लोग इस नदी में बहुत एंजॉय किया था। हम लोग वापस जा रहे हैं, उधर दीदी लोग उधर से राउंड मार के आ रहे हैं, चारों तरफ से घूम के वो लोग आएंगे, और मैं यहाँ से, मुझे वहाँ से लंबा रास्ता नहीं जाना है, मैं यहाँ से शॉर्टकट में वापस चली जाऊँगी। वो देखिए फाउंटेन चलने लगा है, पहले नहीं चल रहा था, सामने जाके देखते हैं। वो सोलर प्लेट जो पावर के लिए लगाया हुआ है इधर का, वो पानी के लिए है ना, तो ये जो लाइट से होता है, रेगुलर जो लाइट देता है। वो देखिए फोटो सेशन फिर से चालू हो गया, और यही सब करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं आज। तो अभी जाने का टाइम हो गया है, मौज मस्ती जितना करना था कर लिया, एंजॉयमेंट कर लिया फैमिली के साथ में, अभी वापस जाएंगे। हाय, तो अगर आप भी कभी दिन प्रोग्राम बनाता है कहीं घूमने का, तो इस जगह पे भी बच्चों को लेके आइए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी और खेल कूदने के लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम वहाँ से आए थे और यहाँ से निकल जाएंगे ये रास्ते से। हाँ आइए आइए नाना, ये किसने, मैंने फेंका था उसको। ओके ओके, ये चिपक गया देखो, हाय हाय, बाद में पोछा लगाना पड़ेगा ना, मत, डोंट टच इसका, साफ करेगा, या आई विल रिमूव इट लेटर। ओके, सो देखो दो तीन, हां बाय बाय, गो योर साइड। ओके हेलो, कम आ तो पना, गो योर साइड। ओके भाई, अनी में नहीं आए, वीडियो ला दे, वीडियो ला दे। Bye bye.
बाय बाय।